कि मैं काफ़ी खुश हूँ, राखी जी काफ़ी अच्छा रिकवर की हैं और अभी आई मीन एटलीस्ट उनकी मेंटल स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी खुश लग रही हैं। उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक है और बॉडी भी जितनी भी उनकी रिकवर करनी थी वो अच्छा रिकवर हुई है। तो हो सकता है कि एक दो दिन में वो घर आ जाएँ और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। एंड बहुत सारे लोग आप लोग वेटिंग पे हैं, क्योंकि लोगों का मैं देख रहा था न्यूज़, एक बंदे का जो जिसको आप लोग जानते ही होंगे, वो खुद को अपने को लॉयर समझता है, तरह तरह के बयान दे रहा था। पहले आपको मैं बता दूं कोर्ट के बारे में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एंटीसिपलरी बेल है, ठीक है। उसको पहले ये जानना है कि ये बेल, इसको बहुत राखी को बहुत साजिश के तहत इसमें फंसाया गया है और पहले बेल के लिए अप्रोच किया गया है। ये चीज़ें मैटर जो है, मैटर भी मैं आपको बता दूं, ये रीपोस्ट का मैटर है, 67A लाइक मैटर में धारा का नाम है। और इसमें क्या होता है ना कि जैसे रीपोस्ट इसने लाइक राखी के अकाउंट से हुआ है, उस पर ये सारा मैटर चल रहा है। जबकि मैं कानून से पूछता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ, 2000 से ऊपर लोगों ने रीपोस्ट किया गया, तो सिर्फ राखी को और एक समाज को ही क्यों दोषी बनाया गया, मैं ये पूछता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं मुझे खुलेआम, हम लोग एक आम जनता, हमें बोलने का हक है। तो आप 2000 लोग से ऊपर ने रिपोर्ट किया है, क्यों राखी सावंत और समाज ही क्यों इसमें दोषी पाए गए हैं, मैं इससे इसका जस्टिफिकेशन चाहता हूँ। दूसरी बात कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो भी लाइक इसने जाल बुन रखे थे, जिसमें इसी ने कुछ लॉयर को राखी के पास भेजे थे उनका वेल विशर बन के, और ताकि केस खराब हो, और उसको एक उस लॉयर को इसने गाड़ी भी गिफ्ट की है। तो इसका किसने गिफ्ट की है? दुरानी ने लाइक राखी के लॉयर को गिफ्ट की थी, और जिसके वजह से सारा केस खराब हुआ है। और ऑल दी वे कौन सा एडवोकेट है? एडवोकेट वो हम लोग नाम बताएंगे पहले, हम लोग तो नहीं, नहीं। पहले हमारे पास नहीं, हमारे पास जो पहले इविडेंस हो जाए, सारी चीजें के इविडेंस हो जाए। अभी हमारे पास राखी को बचाना, क्योंकि राखी का हेल्थ मेरे लिए मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड है कि जो भी लीगल इशू, वो सेकंड प्रायोरिटी है मेरे लिए राखी के बाद, और उसके बाद मैं बाकी लोगों को, मैं इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ओपन बोल रहा हूँ, ओपन कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, जिस दिन ये हम लोग अश्योर्ड हो जाएंगे कि ये मामला सच है, अभी हम लोग स्टिल कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, ये मामला सच है, उस वकील ने सचमुच ऐसा किया है, पक्का है, हम लोग बार काउंसिल, और ये रितेश राज सिंह का वादा है तुमको, बार काउंसिल में लाइसेंस तुम्हारा रद्द करा के रहूंगा, ये लिख लेना। आप नाम तो बताइए। वो पहले तो हम लोगों को पता चल जाए कि वो बंदा, क्योंकि देखो मैं ओपन मीडिया पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर वो बंदा दोषी नहीं है, जब तक 100% मैं मान लूं, आपको डायरेक्टली आप तो वो तो मैं बताऊंगा, आरोप लगा रहा हूँ मैं, आरोप लगा रहा हूँ, जिसको कार गिफ्ट दी गई है उसके पास, अगर जिस दिन हमें ये सारे चीज, क्योंकि देखो एक लॉयर से मैं नाम सभी लोग जानते हैं इसमें, बाकी हमारे पास ठोस प्रूफ आ जाए, उसके बाद हम लोग ठोस प्रूफ के बाद, क्योंकि देखो बार काउंसिल में हम उनका कंप्लेंट डालेंगे, इवन इनफैक्ट मैं मीडिया में भी बोलूंगा कि वो बंदा ऐसा है, उसने ये सब काम किया है, ठीक है। उनके एक ही एडवोकेट थे जब, नहीं बहुत सारे एडवोकेट थे, ऐसा नहीं है, मैं नाम नहीं अभी बोलूंगा। कहीं ना कहीं एक मैसेज सामने आया है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है और जल्दी उस चीज की सजा उन्हें मिलेगी। तो पाप का घड़ा भर चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसके पाप का घड़ा भर चुका है? ऐसा कहा गया है, मैं बोल रहा हूँ एक पापी इंसान दूसरे को बोल रहा है कि पाप का घड़ा, तो मैं मुझे एक बात बता दे कि पाप का घड़ा भरने से पहले मुझे एक चीज का आंसर दे, वो ही है कि शी है, पता नहीं की है, ठीक है, पहले ये मुझे बता दे, पहला। दूसरा, अब बताए कि ये बंदा पाप का घड़ा, पहले ये बताए कि इतना ये धर्मात्मा है तो इसके पास 10 केसेस वहां पे क्यों है? एक गाड़ी को दूसरे जगह बेचना, दूसरे को तीसरे जगह बेचना, किसी को पेपर नहीं देना। अभी बताए कि
राखी ने चलो एलोगेशन जो लगाया है वो अलग आया है, वहाँ की एक फॉरेनर लड़की ने क्यों लगाया है, उसके सारे वीडियो हैं रोते हुए ये करते हुए, तो पाप का घड़ा आप बताइए कि एक लड़की को प्रताड़ित करना से बड़ा पाप क्या होगा। एक लड़की को आप शादी के झांसे में लेके उससे शादी करना, उसके सारे पैसे ले लेना, उससे ज्यादा पाप क्या होगा। अभी राखी का बता देना कि कौन सा राखी ने ऐसा पाप किया है, बताए तो मुझे, मैं बताता हूँ उसका जस्टिफिकेशन मैं देता हूँ, राखी ने कौन सा ऐसा पाप किया। अगर ये बोलेगा कि राखी मारती थी ये करती थी, तो मैं तो राखी के साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ राखी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर राखी गलत होती तो मैं क्यों अपना सब कुछ छोड़ के मैं राखी के साथ खड़ा रहता, क्योंकि राखी में सच्चाई है। राखी नासमझ है मैं मानता हूँ, राखी अगर समझदार रहती तो ऐसे क्रिमिनल से ट्रैप होती, अगर समझदार रहती, मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो है राखी समझदार नहीं थी, उसमें वो बचपना था, उसको लगता था कि आज भी ये मीडिया में अगर उसको कोई कुछ पूछता है, बहुत सारे मीडिया के लोग, सबूत दिखाओ, ट्यूमर का डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अरे भाई पहले आप ये बताओ कि आपने पूछा उस क्रिमिनल से तुम्हारे पास 10-20 केस कैसे हैं, आपने उसे पूछा कि तू जब मुंबई में तुम आए थे तुम अकाउंट शो करो तुम्हारे पास कितने पैसे थे, आपने उसे पूछा कि वो लड़की ने आप पे रेप चार्जेस लगाए आपको, अभी ये खुद ही बोलता है सत्यमेव जयते बोलता है, और उसके बाद उसी के लास्ट में स्टेटमेंट देता है कि लाइक राखी का ये पाप का घड़ा भर चुका है, ये किसी को भी जेल भिजवा सकती है। राखी पुलिस में है, राखी कोर्ट में है, राखी कहीं नहीं है, तो जेल कैसे भिजवा दी बिना, यानी ये खुद ही हमारे कानून पे पहले सवाल करता है और झूठ गुमराह करने के लिए सत्यमेव जयते बोलता है। तो कौन क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड, ये पूरा क्रिमिनल माइंडेड इंसान था, इसने बहुत ट्रैप करके राखी को फंसाया है और राखी का सब कुछ बर्बाद, इसका इंटेंशन यही था। ये इस पर इसकी सारी हेकड़ी जो है मेरे पे नहीं चलती, क्योंकि मेरे को ये एक बोलेगा मैं इसकी 10 सुनाऊंगा और 10 सुनाऊंगा विद प्रूफ। आप सभी लोगों को ये मैं ओपनली बता रहा हूँ, आदिल खान दुरानी का नाम लिखो गूगल में जाओ, वहां पे कोर्ट का ये रहता है केस स्टेटस लिखना, रिस्पोंडर और कॉरेस्पोंडेंट ये पूछ लेना, उसमें सीधा नाम डालना आदिल खान दुरानी, देखना कितने केसेस है। आप इसमें कहीं भी किसी को नहीं जानने की जरूरत है, आप सीधा जाओ उसमें ब्राउज करो, देखो कि कितने केसेस है इस बंदे के नाम। तो आप बताओ कि इतने धर्मात्मा था, इतना ये दूध का दूल्हा था, तो इतने सारे केसेस क्यों हो गए। राखी जी का बेल भी कैंसिल कर दिया गया। हाँ, राखी जी का बेल कैंसिल, पहले मैं इसमें करेक्ट करूंगा, वो AB था, एंटीसिप्लरी बेल था, ठीक है। उसमें राखी जी को रीडायरेक्शन था कि राखी सिंस वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, कोर्ट के समक्ष नहीं जा सकती हैं, तो हम लोगों ने उसका एक एप्लीकेशन लगाया था जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि देखो कोर्ट का अभी तो जजमेंट भी आया नहीं है, ये बंदा पहले ही से ब्रॉडकास्टिंग करता है, बेल रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, जजमेंट भी आया नहीं है कि क्या कॉज था। जजमेंट आएगा मंडे, आपको मैं कॉज शो करूंगा, मैं दिखाऊंगा भी कि क्या है, लेकिन आपको ये बात बता दूं कि क्योंकि हो सकता है कि जजमेंट इस हिसाब से वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है ताकि राखी वहां पे पेश नहीं हो पाई थी, या उनको क्योंकि कोर्ट के समक्ष सबको पेश होना है, वो बीमार हो चाहे जो भी हो, तो ये अभी पहले आ जाए जजमेंट का कॉपी, तो फिर हम लोग आपको डिटेल शेयर। तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्या राखी जी अपने आप को सरेंडर कर देगी। देखिए हॉस्पिटल से वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है, यहाँ पे सरेंडर जो है, सरेंडर का अर्थ ये नहीं होता है, मैं सरेंडर क्योंकि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि आर्गुमेंट में मैं था, सरेंडर इट डजेंट मीन कि पुलिस के सामने सरेंडर या जेल जाना, ये वर्डिंग नहीं है। सरेंडर का ये अर्थ है कि आप कानून के कंट्रोल में हो, इफ यू आर विद इन द लाइक इंडिया, विद इन द इंडिया प्रीमिसेस यू कैन क्लेम कि आप सरेंडर हो, आप जैसे भी सरेंडर करो, वर्चुअली सरेंडर करो या ये भी करो, तो ये सारी चीजें कानूनी उसको क्या पता चलेगी। तो सरेंडर का ये अर्थ नहीं है कि हमें पुलिस में जाके ये करना है, अगर पुलिस में ये बंदा खुद ही कहता है कि मैं माफ, इसका ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मैं माफ किया, मैं इसको अब हम लोग इसको नहीं कुछ बोलेंगे, और ये बराबर पुलिस को जाके फोन करता है, मैसेज करता है कि राखी आ गई है, राखी ये करे,
पुलिस इसके अनुसार काम नहीं कर सकती है। डू यू थिंक कि पुलिस इसके अनुसार करता है जो कि खुद ही क्रिमिनल है? ये पुलिस इसके अनुसार थोड़ी काम करी, या कोर्ट इसके अनुसार नहीं काम करे। ये केवल मीडिया को गुमराह कर रहा है, मीडिया को गुमराह कर रहा है। जे बेल रिजेक्ट हो गई, कौन सा बेल, इसे पूछो कि कौन सा बेल रिजेक्ट हुई है, क्या बेल है, क्या रिजेक्ट हुई है, तो कैसे इसको पता है? तो ये बोलेगा मैं अपना लॉयर भेजा था। तो जब ये कह रहा है कि मैं सब चीज छोड़ दिया था, तो लॉयर क्यों भेजा था? तो ये सारी चीजें हैं, हमारी अच्छाई थी, हमारी ये अच्छाई थी और राखी की नासमझी थी। मैं इसको बोलूंगा राखी की नासमझी या राखी की ऑनेस्टी थी कि हम लोग इसके बेल को अपोज नहीं किए, ना यहाँ पे ना इसके मैसूर में। हमको भी वो करना था, ये था। लेकिन मैं आप सभी और राखी के फैन को ये वादा करता हूँ कि इसको वापस से हम लोग बिहाइंड बार भेजेंगे, इसको हम लोग वापस से, क्योंकि ऐसे इंसान को बाहर रहना देश के लिए खतरा है। ये बंदा किसी भी लड़की के साथ कोई भी खेल सकता है, इसको हम लोग वापस जेल भेजेंगे, ये गारंटी है। थैंक यू।